Baby, this is do or die. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. Hey guys, welcome again to हिमालयन राही चैनल। राहुल में उनसे मुलाकात होगी, हिमालयन राही चैनल पे यही बात होगी। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कमला फोर्ट को, और वहाँ पे टेंपल भी है बाबा कमलाइया जी का, जो कि मेरे घर से नज़दीक है, 12-13 किलोमीटर है। तो लेकिन टफेस्ट रोड है, देखते हैं कि कैसे गाड़ी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज, ऐसे रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कमला फोर्ट के पास, और कमला टेंपल भी आप कह सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे शॉप वगैरह नीचे है, और उसके बाद ऊपर पैदल जाएंगे हम। तो आइए फिर चलते हैं। शुरू की चढ़ाई ऐसी है, और वहाँ पे खड़ी है अपनी HRTC, मंडी से डायरेक्ट यहाँ कमलागढ़ आती है, और ये देख सकते हो आप काफ़ी हाइट। और इधर फैमिली आ रही है। शुरू शुरू में काफ़ी लंबी चढ़ाइयाँ, और अभी आ रहे हैं वहाँ पे, जल्दी जल्दी आइए। ये यहाँ पे सबसे पहला दरवाज़ा, और ये आप देख सकते हो यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे बाबा कमलाइया जी की पहली पौड़ी, और ये देखिए काफ़ी अच्छा किला था ये, लेकिन अब तो खंडहर बन चुका है, देख सकते हैं आप। और सामने व्यू भी अच्छा है, इस तरफ भी व्यू अच्छा है। जो भी राजा था उसने बहुत ही सोच समझ के इसकी कारीगरी की है। और अभी आ रहे हैं वो वहाँ पे, हेलो जंबो। और ये आपको उधर सामने दिख रहा है, ये है रानी का तालाब, पता नहीं तब था या नहीं था, लेकिन वहाँ पे है ऐसा तो लग रहा है। और अब जो है, जो बाहर दरबारी खड़ा करते थे, उसके बाद एक और गेट आ चुका है अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर जाके। वाहिशाह जी का कहना है कि यहाँ से राजमहल शुरू हो चुका है, और यहाँ पे राजमहल के अंदर प्रवेश कर रही हैं वाहिशाह राणा। क्यों लग रहा है? लग रहा है
वो देखो यहाँ पे खड़े होते हैं वो जो देखता था निगरानी रखता था राजमहल पे। और यहाँ पे सबसे पुरानी चक्की है राजाओं के टाइम की, देख सकते हो आप बहुत ही बड़ी है। दो तीन बंदों से भी नहीं हिलती है ये तो। यहाँ पे चक्की को हिलाने का कंपटीशन लगा हुआ है, थोड़ी सी भी चक्की हिल नहीं रही है। नहीं नहीं पूरा जोर लगा दिया है यहाँ पे भाई साहब ने। फिलहाल इतनी चढ़ाई हमने चढ़ ली, ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी है। और अब यहाँ पे जो मेन मुख्य द्वार है टेंपल का वो आ चुका है। और यहाँ पे वैसे दिखा गया है कृपया जूते यहाँ पे उतारें, लेकिन पहले हम ऊपर उतारते थे तो देखते हैं कि ऊपर है जगह या नहीं, बाकी फिर यहाँ आ जाए। ये है इतिहास कमला फोर्ट का, आप पॉज करके जो है पढ़ लीजिएगा इसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे एक तरह का क्या है ये, यहाँ पे मतलब सराय टाइप है हो सकता है। हाँ सराय टाइप, और जब यहाँ पे मतलब होता है ना क्या बोलते हैं उसको भंडारा वगैरह। तोहफे बेचारी, जब अटैक होता था तो रानी को छुपने के लिए एक जगह बनाई थी राजा ने, बहुत ही प्यारी जगह है वो, आपको दिखा रहे हैं अभी हम। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया है रानी की गुफा, तो यहाँ पे रानी को छुपाया जाता है जब भी कोई अटैक करने आता था दूसरा राजा। ऐसी कुछ जगह है गाइस। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर परिसर में, और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ का नाम कमलाइया बाबा जी के नाम पे ही पड़ा है कमला। और यहाँ से चारों तरफ का व्यू देख रहे होंगे आप, बिल्कुल एकदम मस्त व्यू आता है। तो अभी मंदिर के अंदर जा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आ चुके हैं हम मंदिर के टेरिस के ऊपर, और ये रहा पीछे बाबा कमलाई जी का मंदिर, और यहाँ से व्यू है अल्टीमेटली। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा व्यू है यहाँ से चारों तरफ का व्यू, मतलब कि एकदम ऐसा लगता है जैसे कि यही चोटी सबसे बड़ी है, और सारा हर एक चीज़ यहाँ से क्लियरली व्यू दिख रही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। से बाहर निकल के अभी हम जा रहे हैं हवा महल की तरफ, और हवा महल बिल्कुल मंदिर के सामने है। यहाँ का छोटा सा हवा महल है, चलिए फिर चलते हैं दिखाते हैं आपको हवा महल। अभी पहुँच चुके हैं हम हवा महल, और इतनी हवा चलती है यहाँ पे कि आधा छत ही उड़ गया इस बेचारे का। और यहाँ से अद्भुत नज़ारा वादियों का।
सो गाइस, ये था कमला फोर्ट का, कमला टेंपल का व्लॉग, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस में लाता रहूँगा, आप इंजॉय करते रहना और ज़रूर अपने सजेशंस कमेंट में लिखना, और आपको पता ही है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।